हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपसे एक बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी। तो मैंने इसको आउटडोर इंडोर सब जगह लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है सबकी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये मेरा एक बहुत ही बुशी सा प्लांट है सिंगोनियम का, और ये मेरा फेवरेट प्लांट है फ्रेंड्स। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, लो लाइट में भी चल जाता है। और पानी की बात करें तो इंडोर रखा हो तो फ्रेंड्स तो आप 8-10 दिन में एक बार पानी दें, तो ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए इसको। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है, एक प्लास्टिक पॉट था छोटा सा, तो मैंने उसमें लगाया था, और ये इसमें 2 साल से लगा हुआ है और बहुत बुशी से हो चुका है फ्रेंड्स। और आपको अगर बहुत सारे प्लांट बनाने हैं तो आप इनको सेपरेट सेपरेट करके लगाते जाएं, तो अलग से बहुत से प्लांट बन जाएंगे और कुछ ही दिनों में ये बहुत बुशी से हो जाते हैं। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है अब, तो जो ठंड का असर है पौधों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है हमारे यहाँ भी पड़ रही है। लेकिन मेरे जो ये प्लांट है फ्रेंड्स, ये मैं इंडोर रख लेती हूँ, कभी कभी इसको बरामदे में रखती हूँ जहाँ से ब्राइट लाइट मिलती है, तो डायरेक्ट सन में भी चल जाता है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, लेकिन सर्दियों का जो कोहरा है उसे नहीं झेलता ये तो। और ये देखिए, ये दूसरा है, ये मेरा फुली इंडोर रहता है फ्रेंड्स, बाहर भी इसे मैं कम निकालती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्टेयर्स पे रखा हुआ प्लांट है और इसको जो है साउथ और वेस्ट फेसिंग विंडो से सन भी आ जाता है छन के, और अच्छी लाइट मिल जाती है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बुशी प्लांट है ये मेरे दोनों, और बहुत ही सुंदर प्लांट है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर लगाएं, सेरेमिक पॉट में लगाएं तो और सुंदर लगेगा। मैं भी कभी सेरेमिक पॉट लेके आऊँगी तो उसमें भी इसको ग्रो करूँगी, सुंदरता और बढ़ जाती है फ्रेंड्स। प्लांट सुंदर हो, उसको प्लांटर सुंदर मिल जाए ना, तो वो और सुंदर दिखता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बॉटल में लगा हुआ सिंगोनियम का प्लांट, और इसकी न्यू लीफ निकल रही हैं ये देखिए। और मैं पानी जो है, आप कहें तो मैं रोज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, 1 महीना 1.5 महीना गुजर जाता है तब जाके करती हूँ, कहीं प्लांट ख़राब नहीं होता मेरे। और ये दूसरा, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। और फ्रेंड्स ये दूसरी बॉटल जिसमें भी ये सिंगोनियम ही लगाया हुआ मैंने, पिस्ता शेल से इसे डेकोरेट किया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसमें, ये अच्छी ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स इसकी इसमें। और फ्रेंड्स ये बाहर का प्लांट जिस पे कोहरा पड़ता है, और देखिए कितना जल सा गया है फ्रेंड्स, तो आप इसे अगर लगाएं तो प्लीज़ अंदर ही लगाएं, बाहर बाकी दिनों में ये अच्छा रहता है, सर्दियों में ही ख़राब होता है। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।